हारून म्यूज़िक एकेडमी की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज की वीडियो में दूसरा राग जो मैं चढ़ा रहा हूँ इसका बिलावल ठाट का, वो लैया बिलावल है। इस राग में जाते हुए 6 सुर इस्तेमाल होते हैं, यानी इसकी अरोह में 6 सुर और अमरोह में यानी वापसी में 7 सुर लगते हैं। और इसके जाते हुए जो है वो मा इस्तेमाल नहीं होता, जाते हुए मा इस्तेमाल नहीं होता, और आते हुए सारे सुर जो है यानी सातों के सातों संपूर्ण सुर इस्तेमाल होते हैं, यानी सारे सुर इस्तेमाल होते हैं। और इसका जो गाने का टाइम है वो भी दिन का पहला पैर ही है। और कभी कभी इसको खूबसूरत करने के लिए इसमें दा के साथ वापसी में कोमल निखाद का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी लेकिन ये खूबसूरती के लिए है, ये राग में नहीं लगते, यानी ये कभी कभी खूबसूरती के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो वादी सुर है वो दा है और सम वादी इसका भी गा ही है। तो आइए हारमोनियम पे चलते हैं, आपको इसका बताते हैं सरगम। दोस्तों हम हारमोनियम पे आ गए हैं, ये पहले काले से सिखा रहा हूँ। सीधी जो सरगम है इसकी वो इस तरह है, यानी वो दूसरी में ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन भी आपको हो सकती है, लेकिन वो भी आपको सिखाऊंगा मैं। लेकिन सीधी सरगम जो है वो उसकी देखें, सा मैंने आपको बताया था कि जाते हुए इसमें मा इस्तेमाल नहीं करना, तो अब मा इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। सा पहला काला, सा रे गा पा धा नी सा, फिर वापसी पे 7 सुर इस्तेमाल करने हैं। सा नी दा पा मा गा रे सा, फिर देखें सा रे गा सा, धा पे जोर देना क्योंकि दा इसका वादी सुर है और गा पे भी ये निठराव है। सा रे गा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। दूसरी जो सरगम है इसकी जिस तरीके से बजाते हैं वो इस तरह है। सा रे गा पा, देखें सा रे गा पा रे गा पा दानी सा, देखें सा रे गा पा रे गा पा धा नी नी दा नी सा। अब वापसी पे है सा नी दा पा दा नी दा पा मा पा गा मा रे सा। ये सुने सा नी दा पा दा नी दा, सॉरी ये दोबारा सुने सा रे गा पा रे गा पा धा नी दा नी सा। अब इसकी वापसी
सानी दा पा नी दा पा मा गा मा गा मा रे सा। ये इसकी दूसरी शक्ल है, लेकिन वो जो मैंने आपको ये इसलिए बताई है ताकि ये भी आप ज़हन में रखें। वैसे जो सीधी सरगम है वो भी मैंने आपको इसकी बताई है, सारे गा पा दानी सानी दा पा है। इसकी शक्ल जो मैंने आपको सिखा दी है दोनों तरीकों से, खुदावंद आपको खुश रखे और आप इस चैनल से फ़ायदा हासिल करें और मुझे भी खुदा तौफीक दे ताकि मैं इसी तरह आपको सिखाता रहूं। तंदुरुस्ती दे, खुदा सेहत दे, खुदावंद आप सबको बरकत दे। शुक्रिया।